गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलिए अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। डिटेल अबाउट द सिंगल प्रोडक्ट मार्केटेड बाय अ कंपनी आर एज अंडर। पर यूनिट सेलिंग प्राइस, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड। नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड इन द ईयर ऑफ 2012 इज 5035। परसुएंट टू एन एग्रीमेंट विद द एम्प्लॉई यूनियन, there would be next year a 10% increase in wages। इन्होंने कहा कि भाई next year में हमारी wages यानी कि direct wages cost बढ़ जाएगी। Work out how many more unit have to be sold next year to maintain the same quantum of profit, or else यहां पर ध्यान दीजिए, ये और वर्ड है, इसका मतलब दोनों में से एक कुछ करना है। By what percentage the selling price has to be raised to maintain the same PV ratio? तो दो questions करने हैं इसी data से। चलिए करता हूँ। पहले तो इन्होंने बोला है कि हमें same profit रखना है। तो same profit रखने के लिए क्या calculations होंगी समझ लीजिए। पहले देखें calculations कितनी हो रही है। तो हमारा statement बनाएंगे ऑफ एग्जिस्टिंग प्रॉफिट। देखिए हमारी सेल प्राइस कितनी है। सेल प्राइस हमारी 100, वेरिएबल कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल हमारा 60 का है, डायरेक्ट लेबर हमारी 10 की है और वेरिएबल ओवरहेड जो है हमारे 10 के। इसका मतलब 80 रुपीज की आपकी वेरिएबल कॉस्ट है। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना हुआ, 20। नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी है, 5035। तो टोटल कंट्रीब्यूशन हुआ 20 × 5035, 1,07,00,000। पीवी रेशियो क्या हुआ, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल 20%। अब इन्होंने बताया है कि नेक्स्ट ईयर में हमारी डायरेक्ट लेबर 10% से बढ़ जाएगी। तो न्यू वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी, 60 + 11, 10 में 10% इंक्रीज किया हमने, प्लस 10 तो 81। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट क्या होगा, 19। So, पहला आंसर, नंबर ऑफ यूनिट्स फॉर डिजायर्ड कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू डिजायर्ड कंट्रीब्यूशन अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। हम ये चाहते हैं ना कि हमारा 1,00,000 रुपए का कंट्रीब्यूशन है वो एज इट इज इतना ही मिल जाए। हमें ये बताना है कि कितनी यूनिट्स हमें बढ़ानी पड़ेंगी। तो ये आई हमारी 5300 यूनिट। और दूसरा बोला था कि भाई सेलिंग प्राइस हम कितनी इंक्रीज करें सो दैट हमारा पीवी रेशियो 20% ही रहे। ठीक है, तो लिखेंगे हम इसमें पीवी रेशियो 20% है, दैट इज कंट्रीब्यूशन जो है वो क्या है, 20% ऑफ सेल। और कंट्रीब्यूशन क्या होता है, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट।
दैट इज वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी, 80% ऑफ सेल। और वेरिएबल कॉस्ट आपको पता है कितनी है, सो 81 जो है हमारी 80% ऑफ सेल है, तो सेल कितनी होगी 81 का 80% से करेंगे तो ये आया 101.25। ठीक है फ्रेंड्स, तो सेलिंग प्राइस कितने से इंक्रीज करेंगे, सो सेलिंग प्राइस शुड बी इंक्रीज बाय 1.25%। पहले सेलिंग कितनी थी, 100 थी ना, पहले सेलिंग प्राइस हमारी कितनी थी, 100 थी, और अब 101 है, यानी कि इंक्रीज कितने से हो रहा है, 1 रुपए 25 पैसे, 1 रुपए 25 पैसे अपॉन 100। टू मेंटेन द सेम पीवी रेशियो, क्वेश्चन को समझिए, इन्होंने पहले मैं बोला कि हमें कंट्रीब्यूशन सेम चाहिए, तो यूनिट बढ़ा दो, या तो यूनिट बढ़ाओगे या प्राइस बढ़ाओगे, ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए, थैंक यू, आई थिंक सो क्लियर होगा कॉन्सेप्ट, एग्जाम के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन, गुड।